हाईवे स्थित गुरुद्वारा गुरु का ताल पर भीषण सड़क हादसे में हुई 6 लोगों की मौत। दो ट्रक के बीच में फंस गया ऑटो, मौके पर मची चीख पुकार। ऑटो सवार लोगों को जान बचाने तक का नहीं मिला मौका। आगरा में सड़क हादसे के बाद कुंभकर्ण की नींद से जागी आगरा की यातायात पुलिस। आगरा मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर सड़क हादसे में हुई है 6 लोगों की मौत। कुंभकर्ण की नींद से जागी पुलिस ने की कार्यवाही। यातायात पुलिस ने ऑटो चालकों के खिलाफ चलाया अभियान। 150 से ज्यादा ऑटो की अगली सीट पर हुई कार्यवाही। कई ऑटो को किया गया सीज, कई ऑटो के काटे गए चालान। चंदौली में सिपाही ने पत्रकार से की अभद्रता, आपस में लड़ रहे शराबियों को सिपाही ने डंडों से पीटा। पत्रकार ने घटना को किया कैमरे में कैद। सिपाही आलोक सिंह पत्रकार को मोबाइल से वीडियो बनाता देख भड़का, पत्रकार का मोबाइल तोड़कर देख लेने की दी धमकी। पत्रकारों के संगठन ने SP को दिया था ज्ञापन, 5 दिन बीतने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। चंदौली के मुगलसराय के चकिया तिराहे का पूरा मामला। एटा में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह बेचा जा रहा पानी युक्त पेट्रोल। कई ग्राहकों की बाइक और कार पानी मिली हुई पेट्रोल से सड़क पर रुकी। पानी युक्त पेट्रोल मिलने वाले ग्राहकों ने पेट्रोल पंप पर काटा जमकर हंगामा। आगरा रोड स्थित कपूर फिलिंग स्टेशन का है पूरा मामला। जिलाधिकारी सोनभद्र एवं पुलिस अधीक्षक सोनभद्र द्वारा संयुक्त रूप से तहसील दुद्दी पर तहसील दिवस के अवसर पर सुनी गई फरियाद, शिकायत के निष्पक्ष निस्तारण हेतु संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तहसील पर संबंधित अधिकारियों ने जन समस्याओं का किया निस्तारण। इटावा में जिलाधिकारी से लाचार पिता ने लगाई गुहार, बेटों ने बुजुर्ग पिता को घर में ताला लगाकर घर से निकाल दिया बाहर। कानपुर में कार शो कर नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे बीजेपी के कैंपेन मिशन मोदी अगेंस्ट संगठन के उपाध्यक्ष हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर। खुलेआम अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं नेता। सोनभद्र के बेटे ने जिले का नाम किया रोशन, बना वैज्ञानिक। माता पिता की प्रेरणा से रजत सिंह पटेल ने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का वैज्ञानिक बनकर ही लिया दम। इटावा के सफारी पार्क में एक और बब्बर शेर केसरी ने बीमारी के चलते तोड़ा दम। मृतक बब्बर शेर ने इटावा सफारी पार्क में 15 अप्रैल 2020 यानी 3 वर्ष 7 माह 17 दिन पूर्व लिया था जन्म। इटावा में राजकीय रेलवे पुलिस ने किए अंतर जनपदीय 2 लुटेरे गिरफ्तार। दोनों के कब्जे से रेल यात्रियों से लूटा गया बड़ी तादाद में सामान भी किया बरामद। गिरफ्तार लुटेरे सलमान के खिलाफ 23 और विकास के खिलाफ 17 आपराधिक मामले हैं विभिन्न स्थानों में दर्ज। मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बना बदमाशी का अड्डा। रंगबाजी दिखाने के लिए छात्र विश्वविद्यालय में कर रहे दिन दहाड़े फायरिंग। पढ़ने वाले छात्रों को हो रही समस्याएं। विभागों में जाकर छात्रों को पीटने के मामले आ रहे सामने। पुलिस नहीं कर रही दबंग छात्रों पर कोई कार्रवाई। आए दिन हो रहे विश्वविद्यालय में फायरिंग के मामले। विश्वविद्यालय में दूर दूर तक सुरक्षाकर्मी नहीं आते नजर। एटा में पॉक्सो कोर्ट के जज ने रेप के आरोपी को 10 साल की सुनाई सजा और 50,000 का लगाया अर्थदंड। रेप के आरोपी मुकेश के खिलाफ और शासकीय अधिवक्ता और पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में जज के सामने साक्ष्य और गवाह सबूत किए थे प्रस्तुत। जालौन में महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। मामूली विवाद में दबंगों का परिवार पर टूटा कहर। लाठी डंडों से पीड़ित परिवार की दबंगों ने की पिटाई। खेत में बकरी घुस जाने के मामले में हुआ था विवाद। रायबरेली में मामूली बात पर भाई ने भाई व भाभी पर लाठी डंडे से किया हमला। घायल अवस्था में पति पत्नी को एम्बुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल। गंभीर हालत में जिला अस्पताल किया रेफर। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा चालक से लूट, क्षेत्र में मचा हड़कंप। हथियार से चालक को किया लहूलुहान। पुलिस ने घायल को CHC में कराया भर्ती। मुजफ्फरनगर के हतौली क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज क्रॉस की घटना। नोएडा में ग्रेनो वेस्ट की पंचशील ग्रीन्स वन सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने किया इंसानियत को शर्मसार। सिक्योरिटी गार्ड ने जूता पहनकर मंदिर में दान पात्र को खंडित करने का किया प्रयास। दान पात्र पेटी से पैसे निकालने की कोशिश। नोएडा के बिसरख क्षेत्र का मामला। नोएडा में CM योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं सेक्टर 96 अंडरपास का लोकार्पण। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 96 और सेक्टर 126 के बीच तैयार अंडरपास का लोकार्पण 8 दिसंबर को कर सकते हैं CM योगी। लखनऊ में बेटे और बहू से परेशान मां ने वीडियो वायरल कर लगाई गुहार, बेटे और बहू पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। फूट फूट कर रोई बूढ़ी महिला। शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई ठोस कार्रवाई। लखनऊ के हरिनगर क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में मडराक पुलिस की सरपरस्ती में माफिया नए अंदाज में चला रही है मिट्टी के खनन का खेल। अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र में चल रहा जोरों से खनन। कानपुर में कमिश्नर साहब चला रहे कारोबार, नगर में खुले में पिलाई जा रही शराब, वीडियो वायरल। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। हापुड़ में सिपाही की रील सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने वीडियो के संज्ञान में आते ही दिए जांच के आदेश। कानपुर में गोविंद नगर में बीजेपी बूथ अध्यक्ष मुकेश नारंग ने नहीं किया था सुसाइड, पत्नी दिव्या ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, पत्नी दिव्या और उसके प्रेमी को भेजा जेल। सोनी TV देश भर में WWE का कर रहा प्रमोशन। WWE की बेल्ट के साथ मेट्रो सिटी में इवेंट आयोजित कर लोगों में
फिजिकल फिटनेस के प्रति अवेयरनेस जगाने के लिए किया जा रहा प्रेरित। आगरा में मानस नगर स्थित सीटीवी कार्यालय पर फिजिकल फिटनेस और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मेल और फीमेल कर्मचारियों ने सामान्य ज्ञान और फिजिकल फिटनेस का किया प्रदर्शन। सीटीवी दफ्तर पर फिजिकल फिटनेस का दिखाया दम। कानपुर में विदेशी मेहमानों का कत्ल, साइबेरियन पक्षी का हो रहा शिकार। महंगे दाम में बिकते हैं विदेशी पक्षी। गंगा किनारे मारे जा रहे विदेशी पक्षी, शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कानपुर कमिश्नरेट के महाराजपुर थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में होटल ओपनिंग आयोजन के दौरान लगी भीषण आग, मातम में बदली नजर आई ओपनिंग। होटल शुभारंभ के दौरान हुई आगजनी, होटल मैनेजर की दर्दनाक मौत। अलीगढ़ के रघुवीरपुरी इलाके की घटना। कानपुर में शराबी बंदर का शराब पीते वीडियो वायरल, वायरल वीडियो में शराब पीते मजे से नजर आ रहा बंदर। सोनभद्र में कर्म नशा नदी में मिला युवती का शव, शव मिलने से लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कर्म नशा नदी से बाहर निकाल कर की शव की पहचान। सोनभद्र के रायपुर गांव की रहने वाली है युवती। मेरठ में प्राइवेट अस्पतालों की लूट का मामला, अतुल प्रधान के समर्थन में पहुंची भारी भीड़। देहात के लोगों ने किया अतुल प्रधान का समर्थन। आमरण अनशन पर बैठेंगे अतुल प्रधान, प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ हो रहा आमरण अनशन।